Hi, welcome to Metro MJF. Today we are with one of the very token बकरेबाज जो उनके popular business के साथ में ये भी शौक करते हैं. आज हमसे उनके कुछ बकरे देखेंगे और बात भी करेंगे. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम. भाई आपका नाम? सरफराज नाम है मेरा, सरफराज शेख. सरफराज भाई आपका profession है क्या? हम लोग का building automation industry में काम करते हैं हम लोग, air conditioning automation का. तो ये आपको बकरों का शौक कब से लगा? 15 साल से ऊपर हो गया. 15 साल से ऊपर होगा जी. तो मतलब ये किसको देखकर आप इंस्पायर हो गए, क्या चीज़ ने आपको? मैं रहने के लिए नानापेट में, तो हमारा पुराना मकान नानापेट में है जी. तो वहाँ पे हमारे मोहल्ले में बहुत से जानवर रहा करते थे पहले से, तो हम लोग पहले से ही जानवर का शौक है भाई. घर पे जानवर पाला करते थे तो वो साथ में शौक बढ़ते थे जी. अच्छा, तो ये अपना जो फार्म का कंसेप्ट है क्या, मतलब कौन से ब्रीड में करते और पले वगैरह पे कुछ रखते हैं? फार्म का हम लोग का कैसा है, हम लोग ज्यादातर बैंटम, जिंग, अंगूरा और बरबरा, ज्यादातर मतलब ये चार ब्रीड में काम करते हैं. एंटीक और एक्जोटिक गोट में काम करते हैं भाई. तो अगर किसी को पले वगैरह पे देने का रहेगा तो आपके फार्म में वो सर्विस है? पले के लिए हम लोग लिमिटेड जानवर लेते हैं, साल में 4 से 5 ही जानवर लेते हैं और दोस्तों के ही जानवर ज्यादातर अक्सर पले के लिए रहते हैं. ओके, और इनका मतलब चार्जेस वगैरह कैसा रहता पले का? आंडू बकरे का 3,500 रुपए लेते हैं. अच्छा, और खसी तो नहीं रखते क्योंकि ज्यादातर ये जो आपको पता है ये शॉर्ट जो ब्रीड रहती है बहुत गर्म रहती है. तो मतलब जो बकरे लेके आप ये एक्सोटिक गोट्स लेके वही लेके आप? जी जी, बड़े कोटा वगैरह ऐसा ये सब? हाँ, एक हाथ कभी तो साल में एक हाथ कोटा वगैरह रखते हैं. अच्छा, लेकिन ज्यादातर सब एंटीक में ही काम करते हैं. ओके, तो आज ये वीडियो में कौन से ब्रीड के बकरे देखेंगे? आज आपको हम बताएंगे, हमारे पास बहुत नायाब चीज है यमनी. अच्छा, जो ओरिजिनल ब्रीड है यमनी, प्योर ब्रीड है यमनी. तो ये उनका कुछ नाम रखे? हाँ, नाम रखे ना जानवर का, क्या नाम है? एक का नाम तो है ट्विस्टर रखा हुआ है, एक का जूनियर है और एक का क्रैक नाम रखा है. तो बकरे देख लेते हैं हम. जी जी, देखिए ना भाई. माशाल्लाह यमनी है, तो इसका नाम हमने ट्विस्टर रखा हुआ है. ट्विस्टर? हाँ, ट्विस्टर इसलिए नाम रखा है कि उसकी सिंग ट्विस्ट की हुई है. जी जी, सिंग तो बहुत लंबे, कितने लंबे हो गए ये? मेरे हिसाब से 16-17 इंच रहेंगे. हाँ, अप्रोक्सीमेट तो रहेंगे. माशाल्लाह बहुत, और बहुत बेहतरीन है जी. और उसका कलर भी बहुत प्यारा है. ये कलर मतलब ब्राउन, ब्लैक, ये ओरिजिनल यमनी ब्रीड है जो ये बहुत रेयर कलर आता है. यमनी में ज्यादा ब्राउन मिलते हैं लेकिन ये कलर बहुत रेयर है. और ये जो कितने दांतों पर है अभी? ये अभी पूरे दांतों पे, 8 दांत के हैं पर. ये सेल के लिए? हाँ, सेल के लिए अवेलेबल है. तो क्या प्राइस कोट करेगी इसकी? इसका प्राइस हम पीएम में बता देंगे भाई, जो भी. हाँ, ये कैसा एंटीक एक्सोटिक गोट्स में आता है तो बहुत से शौकीन लोग रखते हैं. खोल सकते हैं अपन अभी? हाँ जी, खोल सकते हैं ना भाई. साइज माशाल्लाह अच्छी है इसकी. वेट क्या होगा इसका? इसका 50+ रहेगा भाई वेट. वेट तो किया नहीं है जी. कान वगैरह रॉकेट है एकदम. एक्टिव माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत एक्टिव है. प्रॉब्लम है नहीं. उसका जो रुबाब है बकरे का जी, वो मेन है. वो मेन है भाई. ये आपने किससे लिए थे, कुछ ऐसा बता सकते हैं?
ये हमारे पास 1 साल के ऊपर हो गया जानवर है भाई, ये यही पर है, यही पे है भाई। और इसके अलावा दूसरा कौन सा? ये एक और हमारे पास एक जूनियर है, ये भी यमनी है, बफ में है, गोल्डन कलर में है, बहुत प्यारी चीज है। अभी दो दांत किया है बच्चे ने, दो दांत पे है बच्चा, ये पालने जैसी चीज है भाई। हाँ, पालने लायक तो है माशाल्लाह जी। इसके सिक्के कितने लंबे हो गए? यमनी के तो सिक्के बहुत बढ़ते हैं भाई। हाँ, ये अभी तो छोटा है, ये तो छोटा, दो दांत का बच्चा है, ये तो पालने जैसी चीज है। दांत देख लेते हैं इसके। भाई बताइए, शाकिर भाई सामने से बताइए। दो दांत पर, ये भी सेल के लिए? हाँ, ये भी सेल के लिए। इसकी क्या प्राइस कोट कर रहे हैं? पीएम में तो बता देंगे भाई, इसकी भी पीएम में बताएंगे। ये कैसा एक्जोटिक चीजों में है, सही है ना, कोई अगर लेकर बेचना चाहते तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा, उनके लिए भी इजी हो जाएगा। तो ज्यादातर हम लोग शौकीन को ही देते हैं, लोग लेके भी जाते, बेचते भी हमारे पास से बहुत से लोग। सही है। ये अपना फार्म 15 साल से है? अपना फार्म यहाँ पे 8 साल से है भाई, यहाँ पर ये लोकेशन। और ये शौक मुझे 15 से 20 साल से है। अच्छा, फार्म यहाँ 8 साल से फार्म है यहाँ। इसकी लोकेशन क्या है? ये हमारा वड़की नाला करके जगह है, हड़पसर से आप 4 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, सासवर घाट से पहले किसी को आना रहेगा तो वो कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं। यहाँ पे लैंडमार्क लोकेशन जो पूना में जो सकल पेपर छपता है, उसका सकल का प्रेस हमारे फार्म के करीब में ही है। तो उसके नजदीक गूगल मैप्स पे आप सकल प्रेस आप डालेंगे तो आप फार्म से करीब पहुँच जाएंगे। और इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह आप SRS गोट फार्म पूछ लेंगे तो आपको यहाँ तक लाके छोड़ यहाँ के गांव के लोग आपको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये तीसरा है? तीसरा ये यमनी है, और एक ये भी ब्लैक कलर में है, इसकी जोड़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये 6 दांत पे यमनी है। अच्छा, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। इसका वेट क्या होगा? इसका वेट रहेगा 40 के आसपास, 40 kg। थोड़ा नजदीक से मैं दिखा दूं। हाँ, ये 6 दांत पे है, ये बकरा बहुत गर्म है, ये दाढ़ी वगैरह काफी अच्छी है, दाढ़ी वगैरह माशाल्लाह एकदम गरम दिख रहा, थोड़ा बहुत गरम है भाई वो। यमनी ये ब्रीड प्रॉपर है काकी? ये तो यमन की ब्रीड है, इंडिया में हैदराबाद में आई थी पहले ये। अच्छा। हाँ, ये बच्चे मैंने औरंगाबाद से लिया था जी। इसका क्या नाम रखे? इसको हम लोग क्रैक बोलते हैं। क्रैक, क्रैक। इसकी हरकतों की वजह? हरकतों की वजह से, यस। खेलता ये बहुत, हाँ खेलता है बहुत माशाल्लाह। और ये एग्रेसिव, मारने के लिए डायरेक्ट जंप कर देता है वो जी, और अटैक करता है, बहुत जोर से अटैक करता है वो। तो इंसान कुछ ऐसा देखता नहीं हो? नहीं नहीं, देखता नहीं है। बहुत गर्म। इसका भी प्राइस हम पीएम में बता देंगे, पीएम में बताएंगे जी जी। तो 3 यमनी है, फॉर सेल है जी, और ट्विस्टर है जूनियर, और दिस वन क्रैक, क्रैक, तीनों भी सेल के लिए अवेलेबल है जी। आपका नंबर बता देते एक बार, 9021 28 55 63। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है तीनों यमनी खरीदने के लिए, और ये तीनों एक साथ ही देने हैं ऐसा कुछ, या सिंगल? नहीं, सिंगल सिंगल दे देंगे ना भाई, सिंगल भी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। और जो अगर पुणे के बाहर लेते रहेंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगा, अभी तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत चल रहा है, ट्रेन वगैरह जो बंद है, ट्रेन वगैरह बंद है, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करा देंगे। कस्टमर कॉस्ट देते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट बेयर कर देते तो ट्रांसपोर्ट जी डेफिनेटली हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अल्लाह अल्लाह।